करिश्मा जो रगड़ा है जी, बस मशीनरी का भी है कहीं ना कहीं तक, मेरा जहाँ तक मानना, नहीं तो कुछ नहीं है। देखो जनता आज भी हारने के बाद इतनी है, इतनी मौजूदा विधायक के घेर पर भी नहीं है। लगो ये ले गया कि चुनाव आ रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रही, और दोबारा इससे भी ज़्यादा मेहनत से प्रयास करेंगे और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे। उसमें सबका परसेंटेज जो है वोटिंग का वो एक तरफा आ रहा बिल्कुल, जिस जितना का वो मैं दूध ले मैं इतना ही झाड़वन में, सब मशीन का भी रगड़ा हो सके जी जहाँ तक हमारी उम्मीद है। मोदी साहब भर को लोगों ने नेता मान रखा है और मान लिया, क्योंकि विधायक तो 10 भी बन जावे 15 भी बन जावे, लेकिन नेता सदियों में एक बार होता है पैदा, और वो नेता है चौधरी साहब। रिफाइंड की थैली, नमक की थैली और चने की थैली पर वोट देंगे लोग, बाकी इन्हें जो है देश के विकास से, देश के युवाओं से, उन्नति से कोई लेन देन नहीं है, कोई जो है समाजवाद की कोई बात नहीं है, न तो सीधा जो है बस हिंदू मुस्लिम करके और विजय प्राप्त कर ली सर। देश देखो, फिल्में देखो कैसी हुई, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है सरकार, पता है, और वोट दे कहीं और। अब पूरे 5 साल तंग करेंगे इन्हें, जो वहाँ तो सुनवाई नहीं है, वहाँ तो MP MLA की सुनवाई नहीं है, जहाँ वोट दे रहे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BGT न्यूज नेटवर्क पर, और मैं हूँ आपके साथ विपिन चौधरी। गंगो विधानसभा पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, और आज चौधरी परिवार ने एक कार्यकर्ताओं की बैठक को बुलाया था, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैठक अब समाप्त हो गई है, और कार्यकर्ता ये जो झाड़वन स्थित चौधरी यशपाल सिंह फार्म हाउस है यहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं। कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण रहे, इतना हो हल्ला होने के बाद, इतनी चर्चा होने के बाद आखिर गंगो विधानसभा पर समाजवादी पार्टी ये सीट क्यों हार गई। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश चौधरी। आज किस विषय को लेकर यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई थी? आज जो थी, जो चौधरी साहब इस बार चुनाव आ रहे हैं उसकी समीक्षा को लेकर के ये मीटिंग थी कि कहाँ गलतियाँ रहीं, कहाँ कमियाँ रहीं उन सब। क्या समीक्षा हुई, क्या फैसला लिया गया? फैसला तो ये ले गया कि चुनाव आ रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रही, और दोबारा इससे भी ज़्यादा मेहनत से प्रयास करेंगे और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे। क्या लगता है कहां पर चूक रही? चर्चा तो बहुत थी कि गंगो विधानसभा पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। देखो, चर्चा भी बहुत थी और चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा जो है बढ़त भी बहुत मिली, बहुत करीब पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि भाग्य भी का भी खेल है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और नेताओं ने बहुत मेहनत करी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंशु खटाना है जी। कहाँ से आए हो आप अंशु जी? गाँव जेरा से जी। आप एक बताइए, योगी जी का जो शासन रहा है, सुरक्षा रही है, राशन की बात हुई है, तो आपको क्या लगता है वो इस चुनाव में हावी रहा और जनता ने इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और यहाँ गंगो विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा है? नहीं, करारी हार तो नहीं है, अच्छा चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं फैक्टर हो सकता है, लेकिन फैक्टर भी नहीं कह सकते, पहले से दोगुना लगभग 1.5 गुना वोट मिला, तो ये तो बस थोड़ा राशन का थोड़ा फैक्ट हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं, इतना आप बता रहे, करारी हार नहीं है, बहुत अच्छा चुनाव रहा और मजबूती से के साथ चुनाव लड़े, आगे भी और मजबूती के साथ जनता के साथ रहेंगे। बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी आर पार जीत रही, आपने भी देखा होगा जो बैलेट पेपर में वोट पड़ा हुआ उसमें समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत रही सारी सीटों पर, 53% वोट ले रही उसमें, यह जो 10 गाँव का वो निकलवा लो रिकॉर्ड, नेताजी ने भी बताया, उसमें सबका परसेंटेज जो है वोटिंग का वो एक तरफा आ रहा बिल्कुल, जिस जितना का मैं दूध ले मैं इतना ही झाड़वन में, सब मशीन का भी रगड़ा हो सके जी जहाँ तक हमारी उम्मीद है, यानी वोट एक तरफा पड़ा जी, सब कह रहे थे, अधिकारी खुद कह रहे थे समाजवादी की सरकार आ रही, बंगले सफाई हो रही थी वहाँ से अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी की, हमारा यहाँ से कुछ भी नहीं दिखा, जब कुछ भी नहीं निकला, अगर इतनी हवा होती जितनी सीटें निकली तो हवा भी होती उसकी, एक तरफा सीटा निकल रही, 5500 वोटों से सीट हरा रखी, 300 वोटों से सीट हार रखी, तो इसमें जो रगड़ा है जी बस मशीनरी का भी है कहीं ना कहीं तक, मेरा जहाँ तक मानना, नहीं तो कुछ नहीं है। देखो जनता आज भी हारने के बाद इतनी है, इतनी मौजूदा विधायक के घेर पर भी नहीं है जितनी यहाँ खड़ी जनता। अब बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम भी पत्रकार हो, बताओ कि मैं गलत कह रहा है यह बात? आप ये बताइए, यहाँ पर ये जो आज बैठक बुलाई गई थी इसमें क्या फैसला लिया गया है? इसमें जी, इसमें फैसला क्या जी, इसमें तो लोगों को जिन्होंने वोट दिया, जो 93,000 वोट मिला इसके लिए सबको शुक्रिया अदा करा गया, और भाई पूछा कोई हमारे से कमी रह गई हो, नेताजी ने कहा तुम बता दो कहाँ कमी रही,
और तो कुछ नहीं, यही पूछा क्या बस। तो आप ये बात बताइए, आपको क्या लगता है कहाँ पर चूक रही? चर्चाएं तो बहुत थी कि समाजवादी पार्टी है गंगो विधानसभा सीट जीतेगी। अगर नॉर्मली बात करी जा बिना मशीनरी की, तो भाई दलित वोट जो है वो भाजपा पे जो ना ट्रांसफर होता तो हम तो बहुत वोट ले रहे थे, जीतते। हमारे गांव में ही 800 वोट पड़े, 600 वोट उस पर जा रहे भाजपा पे बस, ठीक जी। वो वोट का ट्रांसफर होना भी एक हमारी हार का कारण है, नहीं तो जितनी जनता, 3 कैंडिडेट थे, इतना 6 इलेक्शन लड़े, सर्कुलर जो वोट था वो कम रह गया, वैसा चला गया, ज़्यादा हो गया, यह वजह रही। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहनलाल है जी। मोहनलाल जी, आप कहाँ से आए हो? जानखेड़े से आ रहे जी। आप एक बात बताइए, पूरी चर्चा रही और जनता ने वोट भी खूब दिया, लेकिन चुनाव हार गए, कहाँ पर कमी मानते हैं, कहाँ पर कमी रही? भाई देखो, कुछ ना कुछ तो कमी है भाई साहब, थोड़ा हमारी मेहनत में कमी रह गई होगी, अन्य वोट तो चौधरी साहब को बहुत मिला पहले से। आप बताओ भाई, आप कहाँ से आए हो? घोसगढ़ से, सिकंदरपुर से जी। क्या हुआ यहाँ पर, आपने बैठक में हिस्सा लिया? तो यहाँ पर जो पार्टी या कार्यकर्ता जो गलती हुई है उनको सुधारने की, और आगे भी मतलब चुनाव के लिए 2024 की भी चौधरी साहब ने ये किया है कि आगे भी तैयारी के लिए तैयार है। क्या लगता है गंगो का जो चुनाव हुआ है, क्या हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हुआ है? ना, हिंदू मुस्लिम का कोई चुनाव नहीं हुआ जी, इधर जो छोटी जाति है वो पहुँच गई बीजेपी पर, रिपोर्ट ठीक ठाक मिला जी, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कारण रहा ये बताओ, जो छोटी जाति है उसका वोट समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं मिल पाया? वो ये नाज की मेहरबानी है जी, ये जो गेहूँ दिया ना फ्री, ये इसके चक्कर में हुआ काम, जो इन्हें मिला माल। मेघराज सिंह, गांव मोड़ा। अच्छा जी, ये जो BSP का वोट था, ये वोट जो है डाइवर्ट हुआ, ये भाजपा की तरफ चला गया। अच्छा। अपना व्यक्तिगत वोट जो है भाई इंद्र सैन का, रुद्र सैन का, ये व्यक्तिगत वोट है और इसमें इजाफा हुआ और जीत के करीब थे। अगर वो डाइवर्ट ना होता तो जीत रहे थे। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम उस्मान चौधरी है जी। आप कहाँ से हो चौधरी साहब? मैं घाटमपुर से। आपको क्या लगता है कहाँ पर चुनाव में कमी रही? चर्चा बहुत थी कि समाजवादी पार्टी यहाँ से गंगो से विधानसभा चुनाव जीतेगी। कमी कुछ नहीं रही जी, ये तो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है फिलहाल। अगर कोई किसी को दोष देने लगे कि उसने नहीं उसने दिया, ये बिल्कुल मतलब ये वैसी बातें हैं जो मतलब जमीनी हकीकत नहीं है, क्योंकि ये फिलहाल जो माहौल चल रहा, इस माहौल के हिसाब से जो हमें 93,000 वोट मिला वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो किए थे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए इस चीज़ पे, लोग जो कहते हैं कि वर्करों की कमी रही, उसकी कमी रही, इसने नहीं वोट दिया, उसने नहीं दिया, इस समय इत्तेफाक में खुद नहीं रखता, वोट सबने दिया है, सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति होने की वजह से सिर्फ ये सब कुछ हुआ। चौधरी साहब हर को लोगों ने नेता मान रखा है और मान लिया, क्योंकि विधायक तो 10 भी बन जावे 15 ही बन जावे, लेकिन नेता सदियों में एक बार होता है पैदा, और वो नेता है चौधरी साहब। क्या नाम है? करमवीर पंवार। करमवीर जी, आप कहाँ से आए हो? मेरा गाँव हंगावली, ब्लॉक ननोत्ता। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या चौधरी परिवार की तरफ से किसी प्रकार की कोई चूक हुई है जो अब की बार एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है? चौधरी परिवार की तरफ से कोई चूक नहीं है, ये तो BJP के द्वारा लोगों को भ्रमित करा गया, और जो सुशासन का वे ढोंग पीट रहे, कल ही अमेठी में 5 मर्डर एक दिन में हुए, अपने रामपुर में ढाकादही गाँव में हुआ, आपका नकुड़ में ही 2 सराफे की बाजार लूट लिए गए हैं, आपके कमेड़े में 10 को नतीजे आए, 11 तारीख की रात को जो आदमी बता रहा था कि हम इतने सुरक्षित है, उसी के घर में डकैती पड़ गई, तो कहाँ सुरक्षित है, कौन से सुशासन पे वोट मांग रहे हो? ठीक है, चल रहा काम अभी, जनता चल रहा उनके, लोग वोट दे रहे के अगले ही दिन पछता रहे कि मेरी पर्ची तो 2 महीने में आ जाए, लेकिन उस दिन भूत सवार था, क्या कर सके उसमें, वो चल रहा उनका जब तक चला, नहीं तो एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। जब आपकी जनता ने जो जनमत दिया वो स्वीकार है, हमें उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मांगेराम आर्य कमेड़ा है। मांगेराम जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ गंगो विधानसभा पर जो अभी ये चुनाव हुआ है, क्या हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हुआ है? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हुआ है, ध्रुवीकरण हुआ वोटों का, और जो अति पिछड़ा वर्ग है वो बिल्कुल जो है नमक की थैली और जो रिफाइंड की थैली है केवल उस पर वोट देगा। यानी जनता ने योगी जी के जो सुरक्षा राशन ये जो है इसको पसंद किया?
सुरक्षा तो कोई खास नहीं है, सुरक्षा तो आप ही भाई साहब बता रहे थे, हमारे गांव में जो है चुनाव के अगले दिन ही जो है डकैती हुई, सुरक्षा तो पहले भी इतनी कोई वो नहीं थी। लेकिन सीधे सी बात है कि रिफाइंड की थैली, नमक की थैली और चने की थैली पर ओढ़ देंगे लोग, बाकी इन्हें जो है देश के विकास से, देश के युवाओं से, उन्नति से कोई लेन देन नहीं है, कोई जो है समाजवाद की कोई बात नहीं है, इन्हें तो सीधा जो है बस हिंदू मुस्लिम करके और विजय प्राप्त कर ली। समाजवादी पार्टी आज भी हारी नहीं है, आज भी हराई गई है, ऐसी बहुत सी सीटें हैं आपने पता है कि 200 अंडर जो है जानबूझ कर हराई गई है, और 166 सीट ऐसी हैं समाजवादी पार्टी की जो 200 से और 2000 के बीच में हराई गई, नहीं कि हारी नहीं है, और 2024 में जो है डट कर जो है लोकसभा लड़ी जाएगी, और चाहा परमात्मा ने और आपस में इसी तरह भाईचारा रहा, जो थोड़ी बहुत कमी हिंदुओं की रही, मुस्लिम भाइयों ने जम को उड़ दिया, और 2024 में ये लड़क हटाई जाएगी, और भाई रुद्र सैन लड़े चाहे इंद्र सैन लड़े कोई सा भी लड़े, ये जो है पूरे बहुत भारी मतों से जो है जिताया जाएगा, इसमें दो रहना, क्योंकि शामली के अंदर जो है तीनों विधानसभा जो है सपा जीत चुकी है, गंगों में हम थोड़ा सा पीछे रह गए और नकुड़ बराबर हैं, तो निश्चित रूप से हम बड़े जो है मतों से जीतेंगे, इसमें दो रहनी है। बताइए भैया आपका क्या नाम है? सुशील जानखड़ा। सुशील जी आपको क्या लगता है कहां पर चूक हुई? इस विधानसभा पर चर्चाएं थी कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से यहां से चुनाव जीती है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव तो कहीं नहीं जीत रही थी भाई साहब, यहाँ से वो ध्रुवीकरण की राजनीति करिए, ध्रुवीकरण करके अपना वोट मत ले गया। अब सुरक्षा की बात करें, अब राशन की बात करें, अब राशन भी देख लो, सुरक्षा भी देख लो, कहीं नहीं कुछ मिलने वाला है, ये तो ध्रुवीकरण हुआ, कोई नहीं है, बहुत वोट मिला 93,000, बहुत वोट मिला। तो जिस तरीके से 2024 के चुनाव लड़ने का ऐलान यहाँ से किया गया है, तो आपको लगता है कि अच्छी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और सफलता हासिल होगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतों से जीता जाएगा चुनाव, तो शामली की तीनों सीटें जीत रहे और हमारे यहाँ भी 93,000 वोट मिल रहा है, और भी बहुत अंतर का मार्जन से आ रहे चुनाव वहाँ भी, तो चुनाव 100% जीता जाएगा लोकसभा का 2024। लोग पूरा तन मन से देंगे जी वोट से, मेहरबान कुरैसी कुंडा कला, सब लोगों ने पूरी जिदारी से वोट दिया, आगे 2024 में भी चौधरी साहब के साथ दिलो जान से जुड़ेंगे जी, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। मतलब मुस्लिम समाज ने जिस तरीके से वोट किया है तो 2024 तक वो बना रहेगा, 2024 में भी उससे ज़्यादा बढ़ के वोट मिलेगा जी, हम अपनी तरफ से खुदाई दावा करते हैं। 2024 में जी मुस्लिम वोट भी बढ़ के मिलेगा, और जो हमारे हिंदू भाई हैं जितने भी नवी आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे, अब की बार जो है बस थोड़ा सा लोग बहकाए में आ गई कि बेरोजगार को छोड़कर वोट दे दिया, पहले तो रोजगार है ना, रोजगार को छोड़कर वोट दे दिया, 5 किलो राशन में 20 किलो बता, हिंदू मुस्लिम की राह में जा रहा देश, देश देखो फिल्में देखो कैसी हुई, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है सरकार। आप तो बड़ा दावा कर रहे थे कि यहाँ समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होगी, देखो लोगों की समझ है जी, देखो तो लोगों की सोच है अपनी, हमने चौधरी परिवार मेरे दिल में है, हमने इसलिए वोट दी और आगे भी तन मन धन धन के साथ रहेंगे। मतलब अंदर से हौसला बढ़कर आ रहा है, मुस्कुरा रहे हो? हाँ हौसला बिल्कुल, इनके साथ थे हैं और हमेशा रहेंगे। गंगो विधानसभा का मजबूत स्तंभ है, पार्टी कोई हो, कोई हार जीत हो, कोई अलग चीज है, ये जो है भाई हमारी शान है, और कोई सी पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम आपस में तोड़ेगी हम उसके साथ बिल्कुल नहीं चलने गए। कमाल की बात यह है कि पब्लिक इन्हें गंगो विधानसभा का मजबूत स्तंभ बताती है, गंगो विधानसभा का ही नहीं पूरे जनपद का मजबूत स्तंभ बताती है, लेकिन जिस समय चुनाव आता है चुनाव में इन्हें वोट नहीं करती। आज के टाइम में सबसे बुरा पता कौन है? जो किसी का अच्छा करता है, इन लोगों ने सबसे अच्छा कर रखा लोगों का, आज बीजेपी के झंडे में लगे रहे जिन लोगों ने इनका भला कर रखा, इतना काम कर रखा इन्होंने, इतना काम कर रखा लोगों का इन्हें, आप देख लो जो पता है और वोट दे कहीं और, अब पूरे 5 साल तंग करेंगे इन्हें, जो वहाँ तो सुनवाई नहीं है, वहाँ तो MP ML की सुनवाई नहीं है, जहाँ वोट दे रहे लोग, ये तो हवा की वोट थी, बिजली जनता की वोट थी, नेता इस पर रोटी सेक रहे अपना और क्या है। तो यहाँ पर गंगो विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे चौधरी परिवार, उन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी, और ये जो जिन कार्यकर्ताओं से हमने बात की है बैठक में शामिल होकर बाहर निकले हैं, और उन्होंने बताया कि बैठक में किस प्रकार का निर्णय लिया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।